नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। टीकमगढ़ स्थानीय सर्किट हाउस के सामने नगरपालिका द्वारा दीनदयाल अंत्योदय रसोई भोजन भोजशाला का शुभारंभ किया गया। क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गोस्वामी, एसडीएम सौरभ मिश्रा, सीएमओ रीता कैलासिया सहित उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं कन्या पूजन कर भोजशाला का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर टीकमगढ़ के लोकप्रिय विधायक विकास पुरुष राकेश गिरी गोस्वामी ने चर्चा करते हुए कहा कि दीनदयाल अंत्योदय रसोई भोजनशाला कोरोना महामारी के चलते बंद हो गई थी, जिसे नवरात्रि के अवसर पर पुनः प्रारंभ कराया गया है। उन्होंने बताया कि इस क्रम में नगरपालिका द्वारा शहर के बीचों बीच स्थित राजेंद्र पार्क में नवीन दीनदयाल अंत्योदय भोजनशाला का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो अत्याधुनिक संसाधनों के साथ बनाई जाएगी, जिसमें जरूरतमंदों को 10 रुपये में भोजन व्यवस्था रहेगी, जो लगभग 2 या 3 माह में शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। इस अवसर पर रितेश भदौरा, हर्ष मिश्रा, महेश साहू, बीके चतुर्वेदी, जयशंकर सोनी, रामप्रसाद साहू, प्रवीण खरे, गजेंद्र गिरी सहित नगरपालिका के कर्मचारी, अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं मीडिया कर्मी मौजूद रहे। खबर समय जगत के लिए टीकमगढ़ से परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।